सीपी जोशी जी। राजस्थान की कुछ घटनाओं का ध्यान आकर्षण आपकी तरफ कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति चल रही है, हिंदू नववर्ष के भारत नववर्ष के जब जुलूस पूरे प्रदेश भर में देश भर में निकल रहे थे, तब राजस्थान के करौली जिले में और भी कई स्थानों पर जब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, हजारों की संख्या में लोग अपने नववर्ष को मना रहे थे, ऐसे में वहां पथराव किया गया, आगजनी की गई, दुकानों में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, करौली नहीं, राजस्थान के अनेक स्थानों पर जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के ऊपर पथराव किया गया। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही सालासर बालाजी में एक राम दरबार की मूर्ति को तोड़ा गया, चित्तौड़गढ़ में और राजस्थान के ऐसे कई स्थानों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, एक तरफ सरकार पूरे देश भर में और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, देश भर में कई जगह, इवन अबू धाबी में भी भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार जानबूझकर धार्मिक स्थानों को तोड़ने का और निशाना बनाने के काम कर रही है। इवन उनका जो प्रशासन है, शासन है, वहां बहन बेटियां रात को शाम को निकल नहीं सकती, बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार होता है, वो पुलिस के साथ न्याय मांगने साथी जाती है तो पुलिस का अधिकारी उसके ऊपर अत्याचार करता है, वो हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल में बलात्कार करता है, वो एम्बुलेंस में जाती है तो एम्बुलेंस में हमारी बहनों का बच्चों का बलात्कार होता है, कहीं भी वो अबला सुरक्षित नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे, वहां न किसान सुरक्षित है, न सरकारी कर्मचारी सुरक्षित है, वहां सरकार के विधायक कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वहां सरकार के विधायकों के लड़के बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहां शासन प्रशासन रामराज आए, इसके लिए जरूरी है कि वहां राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभा।